मेरी माता जी कम नाटक करो, हम आपके खिलाफ कोई ऐसा वीडियो नहीं बना रहे हैं। मेरे पिता रमेश चंद्र जी हैं जो दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी माता उनका गलत इस्तेमाल मत करो, हालांकि उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, और उनका मत बदनाम करो। आप वो सुरग में बैठे अब नरक भोग रही हो, उनके चंद ब्यूज पाने के लिए उन्हें गलत साबित कर रही हैं, और गलत साबित करके वो ब्यूज बढ़ाना चाहती हैं। पुलिस ले आएंगे। उन्होंने यहाँ तक कि ये भी बोला कि हमने जब शिवानी से टक्कर ले ली तो तुम क्या चीज, हम रश्मि अपने ससुराल क्यों नहीं जाती हैं। सच ये है कि मैं जब 7 से 8 साल का था और ये खुद मेरे को छोड़ के यानी किसी दूसरे के साथ गई हुई थी, और मेरे पापा भी जिंदा थे, यहाँ तक कि मेरी माता जी उनके मरने के बाद उनको देखने तक नहीं आई कि वो मर गए, चलो एक बार इंसान को लास्ट समय तक देख लें। यहाँ तक खैर मेरे पिताजी गुजर चुके और बॉबी के पिता जी अभी जिंदा हैं। हालांकि अब ये बताओ उनका मायका है वहाँ पे, तो वहाँ पे इनके देवर कैसे बने, इनका वहाँ पे कोई बन ही नहीं सकता। भाई अब तो इन लोगों का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है, राधा का और उनके बेटे का सोनू का बहुत ही ज़्यादा टॉपिक ये है लंबा होता जा रहा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं वो सभी लोग इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, और सभी लोग अपने अपने हिसाब से मतभेद शेयर कर रहे हैं कि इनमें कौन गलत है कौन सही है। बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि जो राधा दीदी हैं इन्होंने शिवानी के साथ बुरा किया तो इनके साथ भी बहुत बुरा हो रहा है, इनके सगे लड़के कर रहे हैं। और लड़का जो है आप उसकी वीडियो देखोगे, हम उसकी क्लिप लगाएंगे और हम आपको दिखाएंगे, तो इतनी अंदर अंदर की बातें निकाल निकाल के बता रहा है, और इनके बारे में बहुत ही मतलब ऐसी बातें शेयर कर रहा है जैसे कि ये इन बातों को इन्होंने छुपाया हो। और उसने अपनी बहन के बारे में भी बहुत सारी बातें बताई हैं, जैसे कि आप जान पाओगे तो उन्होंने अपनी बहन के बारे में ये बताया है कि आप मतलब शादी हुई जब से आप यहीं रह रहे हो वहाँ पर नहीं जाते हो, तो क्यों नहीं जा रहे, इसका कारण क्या है, वो लोग कई बार आए थे आप भेज नहीं रहे हो, और घर की जो भी सारी प्रॉब्लम है वो भी बहुत शेयर हो रही है। लेकिन ट्रोल कर रहा है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यूट्यूब पे, जो भी लोग मतलब उस एरिया के और या साइड के लोग हैं वो हैं, और ज़्यादातर इनसे जो जुड़े हुए हैं जो कि मतलब उधर साइड के यूट्यूबर हैं और जो जाते हैं इनके गाँव में, अरियारी से जो भी संपर्क करते हैं वो इस मतलब जो महायुद्ध चल रहा है इसमें तो सभी लोग भाग ले रहे हैं, सभी लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि कौन क्या कह रहा है। और हम अभी वीडियो उनके देख रहे थे राधा दीदी के, तो उसमें वीडियो में देखने में ये आ रहा है जितने भी उनके कमेंट आ रहे हैं ना, कमेंट सब उनके नेगेटिव कमेंट हैं और उनके विरोध हैं कि आपने बहुत ही गलत किया, आपका लड़का ऐसा है वैसा है, तो इस तरीके की हम वीडियो देख रहे हैं। अब तो राधा दीदी हमें नहीं लगता कि अब तो इनका कुछ हो पाएगा, क्योंकि अब तो ऑडियंस जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रोल कर रही है इनको, क्योंकि आपने बहुत गलत किया है, और इनका लड़का जो है वो एक से एक सच्चाई निकालते जा रहा है। आप उनके चैनल पे जाइए, उनका चैनल का नाम है सोनू भाई अरियारी करके, ठीक है, आप जाओगे तो उनके फ़ोटो और साथ में उसके माता जी की फ़ोटो लगी हुई है, तो उस पर आप जाओगे तो वो चैनल आपको दिख जाएगा, फिर वहाँ पर वो डिटेल में वीडियो पड़ी है, आप उनको देख सकते हो और उसके बारे में आप मतलब पता कर सकते हो कि इन लोगों का प्रॉब्लम क्या है। बहुत ही ज़्यादा अंदर से डिटेल मतलब वो निकालता जा रहा है बहुत ही ज़्यादा, और ये सब चल रहा है, तो हमें तो लगता है कि ज़्यादातर ये टॉपिक काफ़ी दिन तक चलेगा। और एक नई चीज़ हर बार वो ये भी बोल रहा है कि अगर हमें आपको मतलब मिलना है तो आप हमसे मिल सकते हो, हम आपको और भी डिटेल बताएंगे। तो ज़्यादातर लोग जो आसपास के हैं वो जा भी रहे हैं, जाके मतलब उस तरीके की इमेज और उस अंदरूनी बात जो है वो कलेक्ट करके वो अपने चैनल पे भी डाल रहे हैं कि वास्तव में ये कितनी गलत है, क्योंकि अगर ये गलत नहीं होती तो ये शिवानी के साथ में भी गलत नहीं करती, इतना तो हमें पता ही है और इतना तो आप सब लोग समझते ही हो। तो इसी टॉपिक पे हमने भी सोचा कि ये तो काफ़ी मतलब वायरल सा हो रहा है, मतलब ये सब जानकारी है, पहले उनकी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई, पहले उसकी, फिर उनके बाद, अब देखिए हमें आपको एक दो कमेंट पढ़ाते हैं राधा दीदी की, तो क्या बोलते हैं इसमें, ये कमेंट में लिखा है किसी ने, जैसे को तैसा, अब पता चला कि कोई अपना धोखा देता है तो कैसा लगता है, ईश्वर ने बहुत जल्दी न्याय कर दिया। अब देखिए बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं, जो पब्लिक है और ऑडियंस है वो सब समझ रहे हैं कि आपने कैसा किया है शिवानी के साथ, तो जैसे ही आपको मिल रहा है, तो इस तरीके के काफ़ी नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं राधा दीदी के साथ में, और वो काफ़ी ड्रामा कर रही हैं। उनके बेटे ने बताया वो जो मतलब
बेहोश हो गई थी। एक लेडीज़ थी, एक महिला थी, उनके चैनल पे वीडियो बनाया होगा उन्होंने, तो फिर वो बेहोश हो गई थी, फिर पानी आने डाला, लेकिन वो ठीक है अभी और अगले वीडियो पे वीडियो बुला रही हैं। लेकिन क्या चल रहा है उनका कि वो बेहोश होती जा रही है। तो उनका लड़का बोल रहा है कि ये सब नाटक बंद करो, ये सब नाटक बंद करो, और उसके चैनल पर आप जाओगे तो वीडियो आपको देखने का मिलेगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये बताई उसने कि आपने हमसे कहा था कि जब हमने शिवानी से टक्कर ले ली तो आप क्या चीज़ हो, जैसे कि एक रचा हुआ प्लान हुआ होगा इनका, राधा दीदी का जो है एक रचा हुआ प्लान है शिवानी से टक्कर लेने की। उसने कॉल पे बात करी, अब वो कॉल रिकॉर्डिंग वो क्यों नहीं डाल रहा है या फिर वो क्यों पब्लिश नहीं कर रहा, वो जी है जो दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी माता उनका गलत इस्तेमाल मत करो, अलिक उन्हें कोई बीमारी नहीं थी और उनका मत बदनाम करो, आप वो सुरग में बैठे हम नरक भोग रही हो, उनके खिलाफ में ऐसा कुछ ना बोलो कि जो मेरे दिल पे चोट पहुंचे, हैं? हमें पता है, हमने देखा है, हालांकि हमने चार चार दिन रोटी नसीब नहीं हुई है, हैं? आपको तो पता नहीं, आप तो मैं छोटा था, आप तो चली गई, यहाँ तक कि हमसे पूछो, मेरे दिल पे याद रख के देखो कि हमने क्या क्या किया है, तो हमने अपना पेट